जी माशाल्लाह से माशाल्लाह अली भाई खोले यार स्किन के कलर के अंदर माशाल्लाह मैच हो गए हैं। 2500-2500 रुपए का एक एक बच्चा है, मतलब 2500-2500 5000, 1 2 3 10 हजार, टोटल 15000 रुपए के अली भाई के हाथ में ये वाले बच्चे हैं। अभी आपको और दिखाते हैं। यहाँ पर माशाल्लाह से तकरीबन 4 बच्चे, मतलब के टोटल हो गया 4 बच्चे 10000, ये हो गया 25000 रुपया। आगे चलते हैं उस तरफ। यहाँ पर कितने बच्चे हैं? यहाँ पर 2 बच्चे हैं, मतलब टोटल अभी हो गया 30000 रुपया। और ये सारे बॉक्सेस के अंदर बच्चे हैं। कितने बच्चे होंगे राउंड अबाउट अंदाजन? इधर तो अगर हम वीडियो दिखाने बैठे तो 50-60 बच्चे तो आपको दिखाई देंगे। तो मतलब ये जगह कितनी है सारी? ये जगह आप देख ले, 12 फीट ऐसी है, 12 फीट की हाइट है, और मेरे ख्याल से ये 6 फीट नहीं होगी। 1 लाख रुपए महीने का निकल रहा है, अलहमदुलिल्लाह ज्यादा निकल रहा होगा। मेरा नाम हसन है, आप लोग देख रहे हैं HFN एंटरटेनमेंट। मैं अली भाई के पास गुजरा वाले में एक छोटी सी मिनी फैक्ट्री देखने के लिए आया हूँ। यहाँ पर अंडे चेक किए जा रहे हैं। अली भाई, अली भाई क्या हाल है? ठीक है जी अलहमदुलिल्लाह। लगी थी अड़ी के नुकसान हो गया बस रलता मिलता ही काम हुआ। रलता मिलता काम है। यहाँ पे अंडे चेक कर रहे हैं, क्योंकि 2 फल टायर है, 2 गंदे हैं। मतलब के 2500-2500 रुपए के 2 बच्चे इसके अंदर है और 2 अंडे गंदे हैं। और यहाँ पर कितने बॉक्स लगे हुए? 1 2 3, बल्कि खुद ही बता दो यार, बहुत ज्यादा गिनती में नहीं आने चाहिए। 25 बॉक्स है, तकरीबन 30 के करीब इनके नेट बॉक्स लगे। और जगह तकरीबन 4x8 है जी, 4 फुट ऐसी होगी, 4 से 5 फुट, 12 फुट इसकी लेंथ है, 12 फुट हाइट है। कितने बर्ड माशाल्लाह लगाए हुए हैं यहाँ पे? इधर हसन भाई तकरीबन 30 के करीब हमने मटकियां लगाई है, और 25 से 30 के राउंड बोर्ड जो है ना पेयर छोड़े। 25 से 30 छोड़े थे या छोड़े हुए हैं? छोड़े हुए हैं। तो माशाल्लाह जो है ना, छोड़े कितने थे? 70 के करीब इधर पीस है, जिनमें से हमारे ऑलमोस्ट 25 पेयर बन चुके हैं। स्टार्टिंग में छोड़े कितने थे? स्टार्टिंग में सर मैंने 10 पेयर से लिए, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से ये ब्रीड करवा रहा हूँ, कह लेंगे लाखों सब्जी कमाया। लाखों कमा लिया ना अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बात सारी ऐसी कि मेहनत है स्ट्रगल है, उसके बगैर नहीं कमाई जाती। अभी जावा का बच्चा कितने का बिक रहा है? सर जी इसमें व्हाइट और सिल्वर है, 2200 के राउंड बोर्ड जो है ना सिल्वर का है, और व्हाइट का 2500 का। लेकिन इसके अंदर से वो भी निकल रहा, फाउन भी निकल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जो जानते हैं ना, इनमें मेरे जो बर्ड हैं वो स्प्लिट लाइन के, जिनमें रेड इज बर्ड निकलते हैं, फॉन आ गया, व्हाइट आ गया अल्बिनो में, उसके बाद ओपल कलर रेयर म्यूटेशन है इसकी, वो भी इनमें आते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इनमें से निकलते हैं। किसी दोस्त को बच्चे चाहिए वो मिल जाएंगे? अभी सर जी पहला क्लास सारा बुक है, कुछ भी नहीं मिलेगा अभी, कुछ नहीं है। अच्छा आगे चलते हैं और चीजें दिखाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि मिलेगा कुछ नहीं, आप लोग इनके चैनल को जाके विजिट करें, वहां से इनसे रब्ता करें, आए देखें, ज्यादा पैसों के ऑफर करवाएंगे तो ये बर्ड दे देंगे। इनसे मैंने पूछे बगैर बता दिया, पर ये दे देंगे मुझे लगता है ऐसा। तो आप लोग भी अगर बर्ड के अंदर पैसा कमाना चाहते हैं, सीखने के लिए लाला एवरी एक्सप्लोरर। अभी मजे मजे की जो है ना खूबसूरत चिड़िया जो है ना स्पैरो फिंचेस वो दिखाते हैं हसन भाई, इनको जो है ना शो करवाएं गोल्डन फिंचेस का। ये हमारी छोटी सी जन्नत है माशाल्लाह, यहाँ पे आके ना कह लेके मैं दिन भर ड्यूटी पे चलता थकान से पेड़ा हार, इधर आके बैठता हूँ ना 5 मिनट रिलैक्स मेंटली जो है ना, हम जो है ना कुर्सियों पे बैठ के सुकून लेते हैं, सुकून इनको बस देखना है तो आपका माइंड जो है ना ऐसे फ्रेश हो जाना है। लोगों ने जावा का तो देख लिया सेटअप, अब आपको दिखने लगे हैं एक बड़ा ज्यादा बिजनेस प्लान और अच्छे वाला। लेकिन सबसे पहले जिस चीज में नफा है उसमें नुकसान भी है, हमारे दीन में भी है भाई, जिसमें खाली नफा है उसके अंदर वो तो हलाल ही नहीं है, तो नफा और नुकसान साथ साथ ही है, क्यों अली भाई? जी बिल्कुल, देखे जिस काम में सिर्फ नफा है वो कह लेते हैं सूद की शक्ल में आपको रिटर्न दे रहा है, वो है ही राम बिल्कुल, उधर तो जाना भी नहीं ना, हमारा मजहब इजाजत देता है। हम लोग पहले मोर्टेलिटी बताएंगे लाइफ स्टॉक के अंदर, उसके बाद जो बचा ले रहा है जो मेहनत करता है, फिर कमाई बताएंगे क्या है इसके अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे हसन भाई अभी हम अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं, ये गोल्डियन फिंचेस हैं, तकरीबन 28 के करीब हमने पेयर इधर लगाए हैं, आप इसकी पोस्टिंग करके हम इसके जो है ना बिंगलाइट के नीचे इनके बच्चे तो निकलवा सकते हैं सर जी। ये तो आपको यूट्यूब पर बड़ी पड़ी है, फायदा फायदा, नुकसान भी उतना है, मैं कहता हूँ 100% इसमें नुकसान है, ये बहुत सेंसिटिव बर्ड है, तो आप बर्ड की कीपिंग जानते हो तो फिर सक्सेसफुल ब्रीडर बन के इनसे ब्रीड भी ले सकते हैं, उससे पहले आपको इनको रखना आना चाहिए। सही है, अभी आगे मैं गोल्डियन कौन कौन सी मैंने ये बताएं। ऑलमोस्ट हसन भाई जो कमर्शियल आइटम में है ना, ब्लू सिल्वर और जो इनके कॉम्बिनेशन है ग्रीन टाइप में, सारे अल्हम्दुलिल्लाह कलर। कितने से शुरू होता है गोल्डियन का पेयर और कितने तक जाता है? सर जी 12000 से लेके इस टाइम 40000 तक जो है ना इसकी रेंज है। इसमें 12000 वाला है जी, ये ब्लू जो ग्रीन पकड़े हैं,
ये पेयर 12 से 15 हजार का क्वालिटी बर्ड मिल जाता है। ये जो ग्रीन वाले पीस है इसके अंदर ग्रीन के अंदर फेसेस अलग अलग है, ऑरेंज फेस है, रेड है, ग्रे है, ऑरेंज है, ब्लैक भी है, ब्लैक भी है। अच्छा, ये पेयर अगर हम लेते हैं कितने का मिलेगा? सेम प्राइस है सबकी? नहीं, इनमें जो सिल्वर और ब्लू है ना वो नहीं, नहीं ग्रीन की बात है। ग्रीन हेड का 2-3 हजार का फर्क होता है। अच्छा, ये पेयर कितने का पड़ जाता है? हमें अगर लेट्स सपोज कंसीडर करते हैं 12 हजार का पेयर पड़ जाएगा एक ग्रीन का पेयर। ठीक है, 12 हजार का पेयर पड़ गया। अब करना ये है कि इसके लिए फोस्टर में बैंक लाइट चाहिए, ये वाली? जी बिल्कुल, ऐसा ही है। 8 पेयर मैं कहता हूँ एक पेयर के साथ अपने बैंक लाइट रखनी है। अच्छा, वो भी हो गया। उसके बाद हमें कितने इसके मिलते हैं? सर जी, इसकी एवरेज 6-8 का जो है ना फीमेल एग ले करती हैं। हम 4 कंसीडर करते हैं क्योंकि कुछ डेड इन सेल भी होने हैं, कुछ बच्चे डेड इन सेल या निकल के मर जाने हैं। आप 4 एग कंसीडर करें, 4 एग इधर फोस्टर करते जाएं। 8×24 जो है ना, आप 32 बच्चे आप इनसे तकरीबन 3 मास में ले सकते हैं। 32 बच्चे एक पेयर से? हाँ, एक पेयर। लेकिन संभालना जो जानते हैं, वही आपको बता रहा हूँ कि 32 बच्चे लेने के पीछे जो स्ट्रैटेजी है वो आपको पता होनी चाहिए कि आपने अपने बर्ड को रखना कैसे है। ये ना हो कि ये लालच में वीडियो देख लें आप और कहें कि लो जी 32 लगा के साहब 1.25 लाख कमाना है, वो काम नहीं होगा। 12 हजार लगा के कितना का लगे खर्चा? 32 8 जोड़े कितने गए बैंक लाइज के? 2 हजार का पेयर लगाए और तकरीबन फिजिबिलिटी ये हमारी बनती है कि केट वगैरह डाल के और ये डाल के 50-60 हजार हमारा लग जाना है। एक बैंक एक इसका जोड़ा? हाँ, और गोल्डियन का एक जोड़ा, उसके अंदर हमारे केजेस भी आ जाएंगे, एक्सेसरी भी आ जाएगी और बर्ड भी आ जाएंगे। टोटल 50 हजार रुपया लगाएंगे। और अगर आप कामयाबी से ब्रीड करवा लेते हैं अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की रजामंदी से, मैं गारंटी से कह सकता हूँ 1,25,000 रुपया 3 माह में अर्न कर। और बैंगलाज ऐसी आइटम है जिसका रेट नहीं आज तक गिरा? गोल्डन का रेट नहीं आज तक गिरा, जो शुरू से है वही है, शुरू से है इसका रेट ना गिरा। अच्छा, ये अंडे जो है ये फोस्टर अंडे है? ये हसन भाई अभी इनके नीचे ना एक एक अंडा जो है ना गोल्डन का जैसे जैसे आ रहा है हम दबे जा रहे हैं चेक के लिए। या क्या सिस्टम है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेस्ट पोस्टर है, पोस्टिंग करेंगे। ये देखें फीमेल ने डर भी नहीं रही। ओहो, एक अंडा खराब हो गया, टूट गया होगा, नुकसान हो गया आपका, कोई बात नहीं, ये चलता रहता है इधर। अच्छा, दाने का क्या प्रोसेस है? इसको दाना क्या दिया जाता है? दाने में सर जी हम तीनों तरह की कंगनी है और कनेरी और स्वान, ये मिक्स करके इनको देते हैं। दाना जाया बहुत होता है, महंगा बहुत पड़ जाता है सर जी। यही तो आपके भाई की खासियत है, हमने ये हापर लगाए हैं, दाना बहुत झंझट ही खत्म हो गया। अच्छा, कैसे उतरता है ये? उतरना नहीं है, हमने ना टाई से जो है ना क्योंकि पका लग गया, ये सिर्फ नीचे से निकलना सर, ये क्या लगे सिर्फ फोक है, ये फोक है, मतलब इसके अंदर कंगनी कोई नहीं जाया हो रही, सिर्फ फोक आना है। तो उसके अलावा ये ऐसे खींचेंगे इसको और ये भी चेक कर लेते हैं अच्छी तरह से क्या ये तो वाकई सारा फोक है। ये देखें सारा फोक है, मैं देख तो उधर चीज पड़ा हो तो आपको। अच्छा, सीन ये है कि इसके अंदर कंगनी की बचत भी हो गई भाई। ये 50 हजार रुपए का ये सेटअप भी कंप्लीट होगा? हाँ, ये 300-400 रुपए का विद एक्सेसरी आपको बताया, विद एक्सेसरी। हाँ, टेम्परेचर। अच्छा देखिए, हर चीज बतानी जरूरी है ताकि किसी दोस्त का नुकसान ना हो। टेम्परेचर इंडोर लगाएंगे आउटडोर? सबसे पहले तो ये बताएं, मैंने इनके इंडोर भी सेटअप देखे हैं, ये मेरा सेमी टाइप है, यानी कि वेंटिलेशन प्रॉपर है यहाँ से भी, यहाँ से भी। आपने बर्ड फार्मिंग कर दी है ना, वेंटिलेशन का तो ख्याल सबसे पहले है कि अगर वेंटिलेशन नहीं ना होगी डेड इंशाल्लाह आएगा, बच्चे मरेंगे, सो मसले मसाइल सीआरडी जो सांस का मसला है ना उसमें आ जाएगा। टेम्परेचर ही इसकी गेम है, आपने 25-30 इसका ना जो माना जाता है आइडियल टेम्परेचर है। सालाना यही रखें सर जी, सारा साल ब्रीड ने। अगर जावा का रेट गिर जाता है ना तो गोल्डियन हमारे पास ऑप्शन है। अगर गोल्डियन का भी रेट गिर जाता है फिर क्या करेंगे? फिर तो नहीं, ऐसे तुक्का खुदा ना करता गिर जाता तो फिर यहाँ पे हम डब वाली साइड पे आ जाएंगे। जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेटअप विजिट किया ना, मैंने हर तरह का पंगा लेके रखा है। लवबर्ड्स भी हैं, लवबर्ड्स भी है, उसके बाद जो है ना डब भी लगी है, जावा भी लगी है, फिंचेस में भी वैरायटी लगी है माशाल्लाह। कोई एक तो अगर गिरता है तो दूसरा बढ़ भी। आपके पास 4 आइटम्स लगी हुई है, मतलब खर्चा चलता रहेगा, सर्कल घूमता रहेगा। लेकिन अगर आप लोगों को अगर तो जावा चाहिए हो या फिर आपको बैंगलाइज चाहिए हो, डव चाहिए हो, गोल्डियन चाहिए हो या ये एग्जीबिशन फ्रिंज चाहिए हो तो किस तरह से रब्ता होगा? आपके चैनल का नाम बताएं। सर जी मेरे चैनल का नाम है लाला एवरी एक्सप्लोरर, गुजरा वाला मेरी लोकेशन है हसन भाई, और इन्फॉर्मेशन सारी वीडियो डालते हैं। बर्ड के एक दिन के बच्चे से लेके उसे परवान चढ़ने तक की जो है ना इन्फॉर्मेशन चैनल पे शेयर करता हूँ। अच्छा, डन हो गया, तो भाई जाके सब्सक्राइब कर लो। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं इंटरटेनमेंट वीडियो, आप बैठे बैठे बोर हो रहे हो, थोड़ा शुगल मिला देखना चाहते हो,
पट्टी चैनल का नाम है इनके, आप जाके इनको भी फॉलो कर सकते हैं। एंड लाइक शेयर कमेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हम लोग मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।